हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड, एंजॉइंग योर ऑनलाइन क्लासेज. ओके स्टूडेंट, दिस इज अ लेसन टू फाइल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. ओके किड्स, टेक आउट योर कंप्यूटर बुक एंड ओपन पेज नंबर 26. ओके, कम टू द दिस पेज, फाइल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. ओके किड्स, बेटा हम लोग इस चैप्टर में फाइल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के बारे में पढ़ेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं. इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है, वी कैन यूज फाइल एक्सप्लोरर फॉर ए वैरायटी ऑफ टास्क इन एडिशन टू मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स. ओके, हमारा जो फाइल एक्सप्लोरर होता है वो क्या होता है, वो वैरायटी ऑफ टास्क होता है. ओके, और ये क्या ऐड करता है, क्या मैनेजमेंट करता है, ये हमारे फाइल और फोल्डर को जो है मैनेज करता है और उसको एक ऑर्गेनाइज्ड करता है. ओके, इट आल्सो यूज टू व्यू एंड मैनेज द रिसोर्सेज ऑफ योर कंप्यूटर सच एज इंटरनल स्टोरेज, अटैच स्टोरेज एंड ऑप्टिकल ड्राइव्स. ओके, हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम का इंटरनल स्टोरेज होता है, अटैच स्टोरेज होता है एंड ऑप्टिकल ड्राइव्स होते हैं. ड्राइव्स भी कई तरह के होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में. ओके, जैसे यहाँ पर है, आपको दिया है सी ड्राइव है, ई ड्राइव है, जी ड्राइव है, डी है. ओके, बहुत तरह के ड्राइव्स होते हैं. तो वो क्या करता है, वहाँ से रिसोर्सेज को क्या करता है, कलेक्ट करता है और उसको मैनेज करने का वर्क करता है. ओके ओके बेटा, तो हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर ये टॉपिक दिया है फाइल एक्सप्लोरर. विंडोज एक्सप्लोरर इज ए ग्राफिकल फाइल. किस तरह की फाइल होती है, ग्राफिकल फाइल होती है, मैनेजमेंट यूटिलिटी फॉर द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करता है, उसकी उपयोगिता प्रोवाइड करती है. विंडोज एक्सप्लोरर विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड विद विंडोज 95. हमारा जो विंडोज एक्सप्लोरर जो इस समय विंडोज एक्सप्लोरर के नेम से जाना जा रहा है, वो 95 में, विंडोज 95 में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था. ओके, फाइल एक्सप्लोरर एक्सेस ऑल द फोल्डर्स एंड फाइल्स स्टोर इन ए कंप्यूटर. फाइल एक्सप्लोरर क्या करता है बेटा, ये हमारे जितने भी फाइल्स होते हैं, जितने भी फोल्डर्स होते हैं, उसे कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर्ड करता है. इट इज़ आल्सो हेल्पफुल इन फाइंडिंग, मूविंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कॉपिंग फाइल्स इन ए कंप्यूटर. और इसका सेकेंड जो वर्क है, ये क्या करता है, ये सहायता प्रदान करता है हमारा कंप्यूटर सिस्टम में फाइल को पाने के लिए, फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है मूव करने के लिए, और फाइल को ऑर्गेनाइज करने के लिए, फाइल को कॉपी करने के लिए ये हमें हेल्प करता है. ओके किड्स, यहाँ पर नीचे दिया है, कॉपिंग और मूविंग फाइल फ्रॉम वन ड्राइव टू अनदर ड्राइव. ओके, यहाँ पर बेटा क्या हेडिंग है, यहाँ पर हेडिंग है कि आपकी जो फाइल है उसको एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में हम कैसे मूव कराएंगे. यू कैन मूव फाइल्स और फोल्डर्स फ्रॉम वन ड्राइव टू अनदर ड्राइव वेयर एवर यू वॉन्ट टू कीप दैम. यू कैन मूव दैम बाई फॉलोइंग टू वेज. ओके, यहाँ पर देखिए इसके दो तरीके बताए हैं. फर्स्ट इसमें मूव फाइल, मूव बाई क्लिकिंग. फर्स्ट स्टेप क्या है बेटा, सबसे पहले अगर आपको अपनी एक वन ड्राइव से सेकेंड अनदर ड्राइव में किसी भी फाइल या फोल्डर को मूव कराना है, तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले आप अपने फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करेंगे. सेकेंड, सेलेक्ट द फाइल्स और फोल्डर विच यू वॉन्ट टू मूव. ओके, उसके बाद आपको क्या सेलेक्ट करना होगा, जिस फाइल या फोल्डर को आपको मूव करना है उसको आपको सेलेक्ट करना होगा. क्लिक द राइट बटन ऑफ माउस एंड सेलेक्ट कट ऑप्शन और. ओके, तो उसके बाद आपको क्या करना होगा बेटा, आपको अपने माउस का राइट बटन क्लिक करना होगा और वहां से आपको कट ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा ऑन द होम टैब. इन द क्लिप बोर्ड ग्रुप सेलेक्ट द कट ऑप्शन. ओके, आपको मालूम है बेटा, जब भी आप कोई फाइल फोल्डर या किसी भी मैटर को कट करते हैं, कॉपी करते हैं, तो जब तक आप उसे पेस्ट नहीं कर देते हैं तब तक वो कहाँ पर स्टोर रहता है, वो आपके क्लिप बोर्ड में स्टोर रहता है. ओके किड्स, कम टू द नेक्स्ट पेज. थर्ड स्टेप क्या है बेटा इसमें, सेलेक्ट द लोकेशन वेयर यू वॉन्ट टू मूव योर फाइल. ओके, आपको अपनी फाइल को मूव कहाँ कराना है, कहाँ पर उस फाइल को रखना है, उस प्लेस को आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा. ओपन द फोल्डर बाय द डबल क्लिकिंग ऑन इट. ओके, फोल्डर को ओपन करने के लिए आपको उस पर डबल क्लिकिंग करना होगा. नेक्स्ट स्टेप है, क्लिक द राइट माउस बटन. माउस का आप राइट बटन क्लिक करेंगे, सेलेक्ट द पेस्ट ऑप्शन. ओके, आपने जो कट किया था अब उसको आप वहाँ पर पेस्ट कर देंगे, तो उसके लिए आपको पेस्ट ऑप्शन को प्रेस करना होगा. ओके स्टूडेंट, ये तो आपका बेटा फर्स्ट तरीका हो गया. ओके, एक फाइल को दूसरे फाइल में क्या स्टोर करने के लिए, एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में फाइल को मूव कराने के लिए.
सेकंड देखते हैं मूव बाय ड्रैगिंग। ड्रैगिंग के थ्रू आप किस तरह से अपनी फाइल को मूव कराएंगे। सबसे पहले आपको फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना होगा। सेलेक्ट द फाइल्स और फोल्डर विच यू वांट टू मूव। ओके, इसमें भी सेकंड स्टेप सेम ही है। नेक्स्ट मेक श्योर द लोकेशन वेयर द फाइल्स और फोल्डर वांट टू मूव इज विजिबल। ओके, तो आपको वो लोकेशन जो है सेलेक्ट करना होगा जहाँ पर आप अपनी फाइल को देखना चाहते हैं, विजिबल करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर मूविंग डॉक फोल्डर फ्रॉम डेस्कटॉप टू प्रोफाइल टू फोल्डर, ओके, यू माइट नीड टू रिसाइज विंडो एक्सप्लोरर सो दैट द डेस्कटॉप इज विजिबल। ओके, अगर आपको उस फाइल को डेस्कटॉप पे देखना है या किसी अनदर एप्लीकेशन पे देखना है तो आप उसको उस प्लेस को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ओके, ड्रैग द फाइल और फोल्डर, अभी तक आपने माउस का जो राइट बटन था उसको आपने क्लिक किया हुआ है, उसको क्या करेंगे, ड्रैग द फाइल और फोल्डर टू डेस्टिनेशन, जो आपका डेस्टिनेशन है जहाँ पर आप अपनी फाइल को देखना चाहते हैं। योर फाइल इज नाउ प्लेस्ड टू ए लोकेशन, वहाँ पर आप क्या करेंगे, माउस को जो आपने क्लिक किया उसे आप छोड़ देंगे, ओके, ड्रैग करा देंगे, तो आपका जो डेस्टिनेशन है जहाँ आप अपनी फाइल को देखना चाहते हैं आपकी फाइल वहाँ पर शो होने लगेगी। तो बेटा ये टू प्रोसेस थे, वन ड्राइव से अनदर ड्राइव में फाइल को मूव कराने का। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फाइल एक्सप्लोरर क्या होता है, ओके, और वन ड्राइव से अनदर ड्राइव में फाइल को मूव हम कैसे कराते हैं। इसके टू वे होते हैं, आपने फर्स्ट देखा और ये सेकंड है, मूव बाय ड्रैगिंग। ओके किड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बेटा आइए इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4 है ये, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 लिया गया है, व्हाट डू यू मीन बाय फाइल एक्सप्लोरर। ओके, फाइल एक्सप्लोरर क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं। ओके, फॉर दिस आंसर कम टू दिस पेज। यहाँ पर देखिए बेटा, आपको दिया है फाइल एक्सप्लोरर, दिस इज आंसर नंबर 1। आपको ये पूरा पैरा कंप्लीट करना है। ओके, इतना कंप्लीट करने के बाद बेटा आपको ये फिगर भी ड्रॉ करना है। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा आंसर नंबर 1 में क्या करना है। ओके, हैव अ गुड डे।